को देख के आपको चित्र बना के दे सकते हैं। और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा इनका बनाया हुआ चित्र यहाँ पर लगा हुआ, और यहाँ पर एक चित्र बना भी रहे अंकल जी, जो कि खुद ही देख के अंकल जी कॉपी कर लेते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट इनका बनाया हुआ चीज़ का। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ चर्च गेट, एक फेमस जगह चर्च गेट। तो आई चर्च गेट को आप लोग जानते होंगे, जिसको मालूम होगा बहुत अच्छे से जानते। चर्च गेट एक ऐसा पैलेस जहाँ पे गेट ऑफ इंडिया, ताज होटल, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो में पहले से आप लोग को शेयर कर चुका है। मेरा फर्स्ट वीडियो आ चुका है जो गेट ऑफ इंडिया के बारे में है, गेट ऑफ इंडिया उसमें दिखाया हुआ है। तो ये सेकंड ब्लॉक है चर्च गेट का, और चर्च गेट पे मैं हूँ। चर्च गेट के कुछ रोड और कुछ एरिया का एक्सप्लोर आज करने वाले, और देखने वाले क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के जैसा है। तो भाई अभी मैं मेन रोड पे ही खड़ा हूँ। यहाँ का मेन रोड ये है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल लगी है ट्रैफिक। जस्ट अभी जस्ट यहाँ पर सिग्नल मिल नहीं रहा, तो अभी भी जस्ट यहाँ पर ट्रैफिक लगी है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, देखो सिग्नल मिल गया और लोग जाने लगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो मेन भाई, यहाँ पर रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट फिलहाल अभी रोड को करते हैं। तो गाइस अभी रोड को करते हैं क्रॉस, क्योंकि रोड क्रॉस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। और यहाँ का एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर भाई सब VIP लोग रहते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर अभी मैं कर चुका हूँ रोड को क्रॉस। गाइस अभी मैं यहाँ पर रोड पे क्रॉस कर लिया, अभी बीच में अटका हूँ फिलहाल, तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो और यहाँ पर मैं पहुँचा भाई, और यहाँ का एक सीन आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि ये रहा भाई। ये कुछ सीन ऐसा यहाँ पर भाई, इस विक्रांत मेमोरियल, गाइस यहाँ कुछ लिखा हुआ है एक विक्रांत मेमोरियल। यहाँ पर भाई इस नाव बनाया हुआ बहुत बड़ा, और यहाँ इस नाव का ये हमको लगता है ये जो नाव बना हुआ है इसका मॉडल है, जो कि ये बन चुका है भाई, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ इस पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी उतर सकते हैं, ऐसा नाव ये बनाया हुआ है। देखो गाइस यहाँ पर है ये नाव का डिजाइनिंग, मतलब सैम्पलिंग पहने हुआ है। और इस नाव, इतना बड़ा विक्रांत नाम से नाव है, और इस नाव पर हेलीकॉप्टर वगैरह सेना की वो जो आते हैं सब यहाँ उतर सकते भाई, इस हिसाब से बनाया है। और मेन रोड पे देखो, ये इधर से रोड है, इसके चारों तरफ से रोड है, और चारों तरफ से रोड होने के बाद ये बीच में ही बनाया है, और मेन पूरा हाईवे रोड भाई। और गाइस ये है यहाँ की बिल्डिंग, जो कि भाई मेन VIP लोगों को रहने का ये सब है। और यहाँ पर ये एरिया में हर जगह पे आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस हर जगह पे खड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखो खड़े हैं भाई ट्रैफिक पुलिस, और मैं रोड को कर रहा हूँ क्रॉस। हर तरफ जिधर भी जाओ यहाँ पर रोड ही रोड है भाई। और यहाँ पर कुछ सहायकर्ता अपने स्वागत कुछ यहाँ पर है, बट देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। तो गाइस अभी इसके अंदर हो चुके एंटर, ये कुछ म्यूजियम करके है, और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लोग कर रहे हैं फोटो क्लिक भाई, और दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा दिख रहा है। इसका कुछ म्यूजियम नाम वगैरह है, बट पूरा नहीं पढ़ा, मैं म्यूजियम पे जैसा नाम लिया था। यहाँ पर कुछ स्टैचू वगैरह इसका बनाया हुआ है, तो गाइस यहाँ पर ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने के जैसा है और समझने के जैसा है। बहुत ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं, इसलिए मैं भी आप लोग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ उस चीज़ का। और यहाँ काफ़ी इस एरिए में काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई और बाकी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। भाई मना कर रहे उधर से मना कर, अंदर जाना मना है भाई, बाहर से देख सकते हैं। तो गाइस ये था म्यूजियम, इसके अंदर फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, अंदर का फोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से कुछ चीजें जो दिख
सका दिखा दिया, जब फोटोग्राफी अंदर हो नहीं सका तो अंदर जाने से कोई मतलब नहीं, तो चलते और आए तो आप और भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। गाइस अभी ये है यहाँ पे, ये अंकल जी हैं जो कि आपकी फोटो देख के आपको चित्र बना के दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छा इनका बनाया हुआ चित्र यहाँ पर लगा हुआ, और यहाँ पर एक चित्र बना भी रहे अंकल जी जो कि खुद ही देख के अंकल जी कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट इनका बनाया हुआ चीज़, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो चित्र बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और कोई भी बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। ये सब इन्हीं के हाथों का बनाया हुआ चित्र, जो कि चर्च गेट जाते हैं, चर्च गेट में आपको जो इंडिया गेट ऑफ इंडिया जाते समय रास्ते में ऐसे नोट करते, बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं और काफ़ी अच्छा बनाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जाए टैटू मतलब कि चित्र बना के देते हैं। अभी फ़िलहाल दो ही दिखा, और भी लोग रहते हैं, आपको सेम टू सेम आप अगर सामने खड़े हो जाओगे ना आपको सेम टू सेम कॉपी बना के दे देंगे, आप यकीन नहीं कर सकते, वो भी एक घंटे में। भाई ये भी एक कला ही है भाई, एक आर्टिस्ट है। तो भाई कला हर चीज़ की होती है, लोग कुछ भी सोचते हैं कुछ भी समझते हैं नहीं है, लेकिन कला कोई भी काम हो ना वो भी एक कला ही है। तो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन के तरफ, तो कुछ एरिया का एक्सप्लोर करते चल रहे हैं। ये भाई कितनी खूबसूरत सूरत बिल्डिंग है यहाँ पर, और काफ़ी फेमस एरिया भी है ना, ये मस्त मस्त है भाई सब। तो ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब भाई घोड़े का स्टेचू, ये है यहाँ की पार्किंग भाई। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गाइस इस एरिया में आपको कहीं भी जाने के लिए फुल एसी बसें मिलती, सब टोटल एसी। देखो ये भी एसी बस है भाई, और ये भी एक पूरा बोले तो यहाँ हर एक जितना भी आपको मिलेंगे भाई सब कोई एसी बस ही मिलेंगे, एकदम बिंदास एकदम मस्त। और टैक्सी वाले शेयरिंग के हिसाब से आपको गेट ऑफ इंडिया जाने के लिए 20 या 30 रुपये लेते, कोई कोई रोड भी लेते हैं भाई। सो गाइस इस एरिया का जो बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन जो बिल्डिंग है बहुत क्योंकि कुछ इसमें भी कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं और बहुत बड़ी है, जो कि मैं देखा इसको और काफी खूबसूरत और काफी ब्यूटीफुल ये एरिया और वाइस। यहाँ चर्च गेट में जगह जगह पर तो चारों तरफ से अगर हो रहे तो बीच में स्टैचू जरूर बना हुआ हर एक तरफ, जहाँ भी आप देखेंगे अगर चारों तरफ से हो रहे तो बीच में स्टैचू जरूर ही बना हुआ है। ब्लॉग यहीं पर करते हैं, रोड पे चलते चलते किए थे स्टार्ट, और रोड पे चलते चलते भाई आज का ब्लॉग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में।